नमस्कार, आज हम मूंग दाल का इंस्टेंट हलवा बनाएंगे। इस तरह से हलवा बनाने में समय कम लगता है, मेहनत कम लगती है और घी भी कम लगता है, और हलवा इतना स्वादिष्ट कि इसका कोई मुकाबला नहीं। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने अगर दाल में पाउडर हो तो आप उसे धोकर और कपड़े से पोंछकर ले लीजिए। तो दाल को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, पैन में डाल देंगे, लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। दाल का कलर चेंज हो गया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन दिख रहा है और अच्छी खुशबू भी आ रही है, और हमारी दाल 5 मिनट में भूनकर तैयार हो गई है। दाल को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। दाल हल्की ठंडी हो गई है, हम इसे जार में डाल देते हैं और दाल को बिल्कुल हल्की दजरी पीसकर तैयार करेंगे। मूंग दाल को हमने बिल्कुल हल्का दरदरा सा पीस लिया है, तो ये हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम पैन में 3-4 टेबल स्पून घी डालेंगे और ये जो दाल हमने पीस कर तैयार की है वो घी में डाल देंगे। इसे हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक और भूनेंगे। पिसी हुई दाल को भी हमने 5 मिनट घी में भून लिया है। दाल अच्छी डार्क हो गई है, अच्छी खुशबू आ रही है, दाल पूरी तरीके से भुन गई है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। गैस थोड़ी सी धीमी रखेंगे और ये हमने 500 मिलीलीटर दूध लिया है और इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। हम इसमें 1 कप पानी भी डालेंगे। आप चाहें तो पूरा दूध ले सकते हैं या फिर दूध कम करके अलग से मावा भी भून कर इसमें मिलाया जा सकता है। तो इसके लिए ड्राई फ्रूट तलकर तैयार कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा घी हम पैन में डाल देते हैं। हलवा को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, हलवा में लम्स ना बने। घी मेल्ट हो गया है, घी में हम ये कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालेंगे और इन्हें बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट हल्के भून गए हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और ये हलवा में फिर से इसी गैस पर रख लेती हूँ। हलवा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे और चलाते हुए हलवा को पकाएंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट हम बचा लेते हैं और हलवे में हम थोड़ा सा घी भी डाल देते हैं, इलायची पाउडर भी डाल देंगे और हलवे को थोड़ा सा और पकाएंगे। हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हम हलवे में थोड़ा घी और डाल देते हैं। हलवा में घी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है। मिक्स कर देते हैं और 1-2 मिनट हलवा को पका लेते हैं। हलवा बन चुका है, हलवे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम हलवे के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इसकी गार्निश कर देते हैं।